अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी महीनों बाद मैंने ये व्लॉग बनाया है जो है गोवा व्लॉग। एंड काफ़ी दिन हो गए हमें गोवा जाके, एंड बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। तो यहाँ पे जो मिज़ान है वो देख रहा है कि प्लेन कैसा होता है, एंड वो बहुत एंजॉय किया। उसने भी बेल्ट लगाना चाहता है बट आ नहीं रहा है उसको। तो काफ़ी अच्छे दिन गए, 4 nights and 5 days थे हम लोग गोवा में। एंड यहाँ पे हम गोवा जो है लैंड हो चुके हैं। बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल बीचेस है गोवा में, आप ज़रूर विज़िट करें। मुझे बहुत अच्छा लगा है गोवा, स्पेशली जो हमारा सी व्यू रिजॉर्ट था वो। तो मैं सबके नाम जो होटल मैंने बुक किया था, मैंने 2 nights मैं कोंडोलिम में थी एंड 2 nights मैं पलालम बीच पे थी। बहुत अच्छा बीच है, बहुत क्लीन बीच है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं हमारे होटल में, एंड ये मिज़ान की फेवरेट प्लेस। बस उस दिन हमने कुछ भी नहीं किया, आराम किया, एंड रात को हम वॉक पे चले गए थे। वहाँ पे हमें ये अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया था जिसका नाम था टेस्टी गोवा आई थिंक, या तो यहाँ पे हमने वेज थाली ऑर्डर किया एंड बहुत ही टेस्टी था। एंड मैंने नूडल्स ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा था। तो ये नेक्स्ट डे हो गया है, यहाँ पे हम गए हैं डॉल्फिन देखने के लिए। डॉल्फिन्स तो हमने हमारे गांव में भी देखे हैं बट यहाँ गोवा के डॉल्फिन्स देखने के लिए हम इतना दूर आए थे, एंड बहुत अच्छा सफ़र था। ऑल राइट, तो मिज़ान को पानी से बहुत डर लगता है जैसे मुझे मेरे बचपन में लगता था, तो यहाँ पे वो डर रहा है। एंड ये है हसीना मान जाएंगी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, यही बंगलों में हुई थी। एंड यहाँ मेरे हस्बैंड स्लो मोशन में यहाँ देखते हुए। फिर उसके बाद हम गए थे अगवाड़ा फोर्ट, बहुत अच्छा था पर धूप बहुत थी, गर्मी बहुत हो रही थी। मुंबई में बहुत ठंडी थी उस वक्त एंड गोवा में उतनी ही गर्मी थी, एंड बहुत गर्मी के वजह से हमने उस दिन ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए, एंड मिज़ान भी था। तो उसके बाद हम पहुंच चुके हैं बागा बीच पे। उसके पहले हम कैलंगुट बीच पे भी गए थे बट वहाँ पे हम ज़्यादा रुके नहीं, इसके लिए हम आ गए थे बागा बीच पे। एंड यहाँ पे मिज़ान को बहुत अच्छा लग रहा था पानी में खेलने के लिए, तो यहाँ पे वो एंजॉय कर रहा है अपने डैडी के साथ। उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, एंड हम लंच के लिए चले गए थे कोई अच्छे से रेस्टोरेंट पे। बिग फैट फिश आई थिंक, बहुत ही अच्छा खाना था, एक्सपेंसिव था बट बहुत अच्छा था। तो ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पे हम रेडी हो चुके हैं साउथ गोवा जाने के लिए आई थिंक, साउथ गोवा या तो। वहाँ पे हम पलालम बीच पे रुके थे एंड रिजॉर्ट का नाम था कोकोस बीच रिजॉर्ट। ये हमारा रूम था, काफ़ी सुंदर सा रूम एंड काफ़ी अच्छा व्यू था। तो ये डायरेक्ट बीच एक्सेस रूम है, डायरेक्ट हम बीच पे जा सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए बुक किया था क्योंकि हम मिज़ान था बहुत छोटा है, उसके साथ हम ज़्यादा घूम नहीं सकते, तो यहाँ पे हमने बुकिंग की। एज़ यूजल मिज़ान यहाँ भी बहुत डर रहा था, रो रहा था, एंड उसको बस घर जाना था। तो हमने थोड़ी बहुत मस्ती करी, एंड उसके बाद हम चले गए थे घर। यहाँ पे कायाकिंग हो रहा था और मेरा बहुत मन था जाने का बट मिज़ान है तो मे बी नेक्स्ट टाइम जब वो बड़ा हो जाएगा। तो मिज़ान अभी हो गया रेडी, इसके बाद हम ऐसे ही पूरा बीच वॉक पर निकले थे।
एंड काफ़ी अच्छा बीच है, काफ़ी अच्छे फोटोज आए हैं बिकॉज ऑफ द कोकोनट ट्रीज एंड हमारे बीच रिजॉर्ट का जो नाश्ता है, जो स्नैक्स थे बहुत अच्छे थे, बहुत यम्मी थे। ये सनसेट व्यू है डायरेक्ट रिजॉर्ट से हमारे, काफ़ी अच्छा व्यू था। एंड रात के अंधेरा हो गया था फिर भी लोग कायकिंग कर रहे थे, मुझे तो बहुत डर लगता है पानी में, फिर भी मुझे करना था। तो ये रात के शायद 10:30 या 11 बज रहे थे, यहाँ पे फायर क्रैकर्स जलाए जा रहे थे, बहुत एंजॉय हो रहा था उस दिन बिकॉज वीकेंड था तो डीजे लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये मॉर्निंग हो चुकी है, ये हमारा लास्ट डे था। तो यहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गए थे बटरफ्लाई बीच देखने के लिए, काफ़ी अच्छा बीच था। एंड और एक हनीमून बीच था, ओके हनीमून बीच भी था, तो वहाँ पे हम थोड़ा बहुत रुके। एंड ये हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, आलू पराठा एंड छोले एंड पूरी। तो बोट आने के पहले हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया, थोड़ा एंजॉय किया। तो मिज़ान अभी तो बहुत एंजॉय कर रहा है, बट जैसे ही वो बोट में बैठेगा वैसे ही वो एकदम शांत हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ही डर है पानी से। इंशाल्लाह वो भी चला जाएगा। ऑलराइट, तो पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है मंकी बीच, मंकी पॉइंट, जहाँ पे एक भी मंकी नहीं थे। एंड वहाँ से हम आगे आ गए थे, वहाँ पे बटरफ्लाई बीच देखा। एंड ये आपको किस शेप में नज़र आ रहा है, ये है टर्टल। तो यहाँ पे दोनों जो स्टोन जो रॉक है वो अलग अलग है, बट इसको टर्टल नाम दे दिया है। बट हम लोग ने अपना टर्टल ढूंढा है बीच पे, जो ये रहा मेरे हस्बैंड ने खोज किया है काफ़ी अच्छा टर्टल था वो। तो यहाँ पे हम फोटोज़ के लिए दोनों बैठे हैं कब से, बट यहाँ पे वीडियो लिया जा रहा था। एंड यहाँ हनीमून बीच पे हम आ चुके थे, बहुत ही छोटा आइलैंड है ये। एंड यहाँ पे ना कार से आ सकते हैं ना स्कूटी से आ सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोट से आ सकते हैं। एंड अगेन यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी, उस वजह से मूड थोड़ा सा ख़राब था, बट कोई नहीं। उसके बाद हम आ गए थे अपने रिजॉर्ट पे, वहाँ पे हमने मिज़ान को, दोपहर का टाइम था तो वो सो गया था। एंड हम आ गए थे यहाँ पे एंजॉय करने दोनों, हम टर्न बाय टर्न हमारे थे, मैं रिजॉर्ट में, सोहेल यहाँ, एंड देन सोहेल वहाँ, तो मैं पानी में जा रही थी भीगने, तो हमने वो भी एंजॉय कर लिया बिकॉज मिज़ान ने चारों दिन हमको भीगने दिया ही नहीं। यहाँ पे अब सनसेट हो चुका है, काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वो रिजॉर्ट छोड़ के जाने का, बट जाना पड़ता है। तो ये था हमारा गोवा व्लॉग। एंड मिज़ान को वहाँ के बेड बहुत अच्छे लग रहे थे, वो बहुत एंजॉय कर रहा था। बस ये हो गया है लास्ट दिन, तो यहाँ पे हमने हमारा लंच कर लिया। एंड उसके बाद हम ट्रेन से जाना चाहते थे बिकॉज ट्रेन में मिज़ान 2 साल से, जब से बॉर्न हुआ है तब से वो बैठा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है ट्रेन क्या होता है। तो वो बहुत ही एक्साइटेड था ट्रेन में बैठ के, आप देख सकते हो उसको बहुत अच्छा लग रहा था।
अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए एंड अल्लाह हाफिज़।